हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स GT 20 Pro फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स GT 20 Pro फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप कैसे ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे और ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं इन्फिनिक्स GT 20 Pro फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में और ब्लूटूथ प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर पाएंगे इन्फिनिक्स फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं जिसमें से आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे जिसमें से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते फिर आपके पास देखते हैं कि ऑप्शंस आ जाएगा सेटिंग्स का, तो क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। इस पे जाकर आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जैसे करना चाहते हैं। तो स्लाइड करना है और स्लाइड करते ही सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर ब्लूटूथ की जो भी सेटिंग्स है आप उसको रीसेट कर सकते हैं और रीसेट करके ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो रीसेट फ़ोन पे जाना है। तो रीसेट फ़ोन पे जाकर आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं एंड आप सॉल्व भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं कि आपको इस पे जाना है। इस पे जाकर अपने फ़ोन में सेटिंग्स को जब आप रीसेट कर देंगे यहाँ से ब्लूटूथ की इस तरीके से पासवर्ड डाल के, तो पासवर्ड डालते जो भी सेटिंग्स से है आपके रीसेट हो जाएगी ब्लूटूथ की, जिससे आप ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।